सो व्हाट इज अप वांडेड आर्मी, वेलकम बैक टू अनदर पबजी मोबाइल वीडियो। सो स्वागत है आप सभी का नवी नवेली चिकनी चमेली सी वीडियो पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे मेरा गेम लैग होता है, सबसे पहली बात तो यही है, ठीक है। और एक्चुअली आज हम खेल रहे हैं मिनी जोन अपनी कंप्लीट स्क्वाड के साथ। वैसे कंप्लीट स्क्वाड तो नाम की है, क्योंकि कभी कभी हम साथ खेलते हैं, कभी अलग खेलते हैं। तो यहाँ पर एक नेता देख के इसके पीछे मैं पड़ा था, बट इसको UMP मिल गई थी। मेरी किस्मत है कि मैंने उसको पहले डैमेज दे रखा था। उसी का प्री फायर देना तो आप सबको पता ही है कितना बेकार रहता है। बेचारी में वैसे ही 25 गोलियाँ होती हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हमारे अनंता भाई नोक हो रखे हैं और उनको बचा रहे हैं हमारे सूरज भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे UMP में 3x पता नहीं कैसे लग गया, ऑटोमेटिक क्या सिस्टम है ये, लेकिन इस निहत्ते को मार दिया। एक्चुअली यहाँ पर इस गेम में बड़ी मारी हुई है मेरे साथ, क्योंकि ना मुझे किल्स नहीं मिले। सही बताऊँ तो मुझे इस गेम में किल्स नहीं मिले। मेरे 5 किल्स हैं, हमारी पूरी स्क्वाड के 29 किल्स हैं, लेकिन क्या सिस्टम है कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों, डैमेज देखो और किल्स देखो, आपको फ़र्क खुद पता चल जाएगा। इसमें किल चोरी हुई है, वो आपने थंबनेल से देख ही दिया हुआ, थंबनेल देखकर। तो अब हम आगे आ चुके हैं और यहाँ पर एक्चुअली एक बंदा, मुझे हल्का सा साउंड आ ही गया था एक बंदे का। तो अब इस बंदे के पास है AKM और मेरे हाथ में है UMP9। जानता हूँ कोई मुकाबला है नहीं हमारा, बट कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत प्री फायर कुछ कर कुर के तो मैंने इसको मार ही दिया किसी तरीके। आप लोग देख ही सकते हो, मूवमेंट फायर दिया, बेचारा खड़े रह गया, पता नहीं क्या नुबड़ा बनती थी इसके अंदर। तो कोई बात नहीं, हमारा चिंटू भी यहाँ पे आ गया था। चिंटू कह रहा था कि मैं आज की हड्डियाँ तोड़ जाता है, वो है, क्योंकि मेरे पास कवर फायर आ चुका था, अगर मुझे नॉक करता तो मैं संभल जाता। तो अब उसके बाद हम यहाँ पर अभी हीलिंग वूलिंग कर लें सबसे पहले तो। और अब क्या है कि पोचिंकी में हमने लगातार देखी थी 4-5 स्क्वाड आई थी, क्योंकि जब हम हवा में थे, जो मैंने आपको सीन नहीं दिखाया, तो 4-5 स्क्वाड थी। तो कुछ आपस में लड़ लुड़ के मर रहे हैं, कुछ कुछ को हमने मार दिया है ना। एक दो स्क्वाड क्लियर कर चुके हैं इस टाइम हम। एक तो मैंने एक के मैं 3 बंदे खा गया था और एक इनमें से किसी ने खाया होगा, बाकी एक स्क्वाड उन्होंने मिलकर क्लियर कर दी। तो अब यहाँ पर सामने वाली जगह पर एक और स्क्वाड के 2 बंदे पता नहीं कहाँ से लटकते पटकते, कहाँ से डू वर्सेस स्क्वाड हमारे ऊपर क्लच मारने के लिए आ गए थे, और हमने उनको 4v2 क्लच कर दिया। देखो अब यहाँ पर देखो, किल मुझे फिर नहीं मिला यार। मेरी फाइनल गोली मेरी थी, जो लास्ट AKM का जो लास्ट शॉट था मेरा था, लेकिन मुझे किल यहाँ पर नहीं मिला। पता नहीं क्या सिस्टम है यार ये, मतलब दिमाग ही ख़राब हो गया था इस गेम में यार। अब मैं 7 कैमो लेने आया था यहाँ पे, तो अब इसके बाद तो इन दोनों को मार ही देंगे। चलो हम यहाँ से अपना टेलीपोर्ट हैक यूज़ करते हैं। सो टेलीपोर्ट करके अब यहाँ पर एक्चुअली एक और स्क्वाड से हमारा पंगा पड़ने वाला था, लेकिन मैंने पहले इनको कहा कि यार अभी जोन दूर है ना, तो मिनी जोन है, ज़्यादा टाइम हमें मिलेगा नहीं, तो पहले गाड़ी लेके हमें जोन में जाना चाहिए। लेकिन चिंटू ने इतने में उनका एक बंदा खा ही लिया था, क्योंकि चिंटू ने मतलब पहली बार मैंने उसको देखा कि उसने 1v1 में एक बंदा मारा है और अच्छे से मारा है। तो पीछे साउंड आया था, मुझे पता है आप लोगों को भी साउंड आया होगा, पीछे एक बंदा था, लेकिन अभी हमने उसको इग्नोर किया। हमने कहा चलो जोन में आने तो फिर देख लेंगे, है ना, क्योंकि जोन को प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी होता है। जोन इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग इन PUBG, है ना, क्योंकि जोन जब मारता है तो अब हमने फिर से यहाँ टेलीपोर्ट किया। और एक्चुअली हम स्कूल में आ गए, क्योंकि वहाँ से गाड़ी लेके इस तरह डासिया लेके हम यहाँ पे आए। वहाँ लैग हुआ था तो पता चल गया था बंदे होंगे, है ना। तो मुझे कई बार हैकर वाली फीलिंग आती है कि लैग होता तो हमें पता चल जाता बंदे हैं। तो अब यहाँ पर 3 किल्स हैं मेरे, और इसको मैंने नॉक किया बंदे को, बड़े ही प्यार से, बड़े आराम से, मज़े से नॉक किया, लेकिन ये मुझे किल फिर नहीं मिलेगा। पता नहीं क्यों, क्या सिस्टम है कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एक किल मेरा चोरी हो गया शायद, अभी लेफ्ट साइड में पता चल जाएगा वैसे, पता नहीं किसने, लेकिन एक किल मेरा चोरी हो गया, ठीक है। तो मैंने कहा कि रश करते, क्योंकि वो बंदा नोक हुआ था तो उसके प्लेयर्स भी वहाँ पे होने चाहिए, और वहाँ प्लेयर्स थे भी, लेकिन उसके टीममेट्स से पता नहीं कौन थे, मुझे किल तो मिला नहीं। सबसे पहली बात ये देखो, ये किसने M24 दी ना, तो उसी बंदे को मारी। तो अब यहाँ पे किल तो मेरा चोरी हो गया, मतलब वहाँ पे जो ओपोनेंट्स हैं वो आपस में सेम नहीं है। तो देखो अब यहाँ पर मैंने फिर से, मेरे हाथ में DP है, ठीक है, DP का स्प्रे करता हूँ मैं मारता हूँ तो नहीं, फाइनल जो फाइनल बुलेट है वो मेरी नहीं लगती, और मुझे फिर से किल नहीं मिलता यहाँ पर, फिर मुझे डैमेज लेके चुपचाप बैठना पड़ता है। कोई बात नहीं, पहाड़ के ऊपर आ गए, ठीक है। यहाँ पर अब ये बंदा तो चलो इसकी किस्मत अच्छी थी कि मेरे हाथ तो नहीं मर पाया ये, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पर देखो, हमने किल चोरी करने की सोची यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें छोटा स्प्रे किया, इतने में नौ बंदे को मर जाना चाहिए था, लेकिन जो फाइनल बुलेट फिर चिंटू की लगी और फिर मुझे किल नहीं मिला। भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब इस मैच में क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर शुक्र है मिनी जोन था, नहीं तो मैं तो रो ही पड़ता, क्योंकि क्लासिक मैचेस में जब ऐसा होता है तो यार KD रेशो पे बहुत इफेक्ट पड़ता है ना, वैसे भी अपना KD अच्छा चल रहा है ना। तो अब इसके बाद ये लास्ट बंदा यहाँ पर था, और हमने तो भाई यहाँ डेरा बसा लिया अपना, मतलब बैठ गए भाई अनशन पे कि ना ना देखो तो मार के जाएंगे, तेरी कवर यहीं खोद के जाएंगे हम। अब वहाँ मुझे पता है आप लोगों का वहाँ बंदा दिख गया होगा, लेकिन मेरी फिंगर्स वहाँ पे होती ना तो मुझे पता नहीं चलता वहाँ बंदा था। तो मेरे पे फायर हुआ, लेकिन अपने बंदे संभाल लेते हैं यार। तो यहाँ अगेन इन्होंने मिल के मार दिया हमारा बंदा ये वाला, तो यहाँ पे ऑलरेड हो चुका था। और उसके बाद हुआ था कि स्कूल से हमारे पास गोलियाँ आई थी, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये थी कि जोन फिर से अलग है ना,
वन मिनट कुछ का टाइम है हमारे पास, वन मिनट कुछ सेकंड, तो मैंने कहा कि यहाँ से गाड़ी निकालो और इनका हम जोन कट ऑफ कर देंगे इससे पहले हमारा कट करें, है ना। तो उसके बाद अब ये आपने पहचान लिया होगा ये अपार्टमेंट्स के पास जो एक ही इकलौता प्यारा सा घर है। अपार्टमेंट्स मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, वहाँ मुझे लूट भी नहीं मिलती कभी, है ना। आप अपना ओपिनियन बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है अपार्टमेंट्स के बारे में। और यहाँ पर जितने मुझे चिंटू ने बताया कि बंदा सामने इतने मुझे खा गया, लेकिन थैंक गॉड यहाँ पर आनंदा भाई का, जिन्होंने सही टाइम पर पकड़ के हमें रिवाइव कर लिया और मैं सही टाइम पर कवर पे आ गया। तो अब इसके बाद उनके दो बंदे रश कर चुके हैं हमारे पे, और जितने प्यार से उन्होंने रश किया उतने ही प्यार से वो मेरे टीममेट्स के द्वारा मर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे तीन बंदे अभी भी जिंदा थे और मैं अकेला नुक पड़ा था उस टाइम रूपड़े की तरह। और ये पता नहीं मैंने क्या फायर किया, मुझे समझ नहीं आया। और यहाँ तो मैं मतलब यार पता नहीं नर्वस सा हो रहा था। देखो मैंने गाड़ी यहाँ पीछे क्यों करी, मैं उधर से घूम के भी जा सकता था, जंप करके भी जा सकता था, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा यहाँ पे क्या हो रहा है। एनीवे जहाँ पर हमने स्मोक किया अच्छे से लूटने के लिए, और मैं भी एक स्मोक कर देता हूँ इससे पहले ये वाला स्मोक ख़त्म हो और हमारे कोई बहुत दूर से आके हमें एक अच्छा सा क्लच मार जाए 1v4। तो इससे पहले पहले स्मोक करते हैं, अच्छा आराम से लूटते हैं। तो अच्छा गाइस आपने एक चीज़ देखी होगी, जो बैरल है बैरल M762 जो गन है हमारी, उसके जो बुलेट्स हैं काफ़ी स्प्रेड करती हैं। तो एक्चुअली उसकी जो सबसे बेस्ट अटैचमेंट मेरे अकॉर्डिंग है ना, वो है लेज़र लाइट, जो लेज़र साइट होती है उसकी, क्योंकि लेज़र साइट बुलेट्स को ज़्यादा स्प्रेड होने नहीं देती, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। कभी ट्राई करना, मैं TDM में भी जैसे मोस्टली जो लोग होते हैं वो यही यूज़ करते हैं, तो मैं कहूँगा कि उसमें वर्टिकल लगी होती है उसको हटा के लेज़र लगाओ। तो यहाँ मैंने वैसे सिर्फ सोचा था कि उस तरफ बंदा जाएगा, मैंने एनिमीज हेड किया कि चलो उस तरफ बंदा जाएगा, मैं श्योर नहीं था ना, मैंने किसी को देखा था, और ये मुझे सही लगा, मतलब निकला सही जो मैंने सोचा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक बंदा अगर पीछे उसको कवर दे रहा है तो वो चाहेंगे कि उनका एक टीममेट किस तरीके जोन में आ जाए, और जोन में आया लेकिन उतने ही प्यार से इनका जोन भाई कट ऑफ कर रखा है, तुम निकलोगे कहाँ से, मतलब तुम्हारे में इतनी हिम्मत, तुम निकल जाओ यार, हम तुम्हारा जोन कट ऑफ करें और तुम हमारा कट कर जाओ, ऐसे थोड़ी ना होते हैं ना। तो अब वो मिनी वाला तो इसको पेल गया वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, थैंक्स टू हमारे सूरज भाई जिन्होंने बड़े ही प्यार से उसको डीपी का पट पट करके स्प्रे करा, स्प्रे नहीं पट पट किया, उस पर पट पटिया करके उसको मार दिया वहाँ पर। और अब पीछे एक्चुअली एक UMP वाला बंदा है, उसका क्या सीन है कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बहुत परेशान कर रहा था हमें, है ना। तो यहाँ से सबसे पहले तो मैं एक पीक लेता हूँ, हल्का सा देखता हूँ, वो मुझे पता चल गया उसकी लोकेशन की, वो नीचे की तरफ है। और यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, मैं नीचे जा रहा था, ठीक है, यहाँ पर मैं अभी नीचे गया, सीढ़ियों से उतर के नीचे गया, और यहाँ पर मेरे हाथ से फ़ोन स्लिप हो गया, जिसकी वजह से मतलब कंट्रोल सा नहीं कर पाया मैं, और यहाँ मैं खुद ही नोक हो गया। वैसे ये बहाना है, हाँ तो ये एक्चुअली बहाना है, फ़ोन स्लिप हुआ था लेकिन इतना भी नहीं हुआ था कि मैं रिकॉइल कंट्रोल ना कर पाता, मुझे 4X बिल्कुल नहीं पसंद, 4X से मैं किसी गन का स्प्रे नहीं कर पाता, इसलिए ऐसा हुआ मेरे साथ अभी आपके सामने। तो अब यहाँ पर फिर से होगा मेरे साथ वही वाला अजीब सी बात, किल वाली। तो क्या हुआ था यहाँ पर कि सबको एक बंदा पता चला कि बंदा बगी लेके जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर से पता नहीं क्यों फाइनल गोली मेरी क्यों नहीं लगी, भाई क्या दिक्कत है मेरी गोलियों में, मतलब फाइनल गोली जो लगती है किसी को ले जाती है और किल किसी को मिल जाता है, मुझे सिर्फ डैमेज मिलता है हर बार इस मैच के अंदर, वैसे मेरे को किल्स अच्छे खासे मिल जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब क्या हुआ कि यहाँ पर एक बंदा इनका परेशान कर रहा था, तो यार अपने पास पड़े हैं बढ़िया बंदे गाड़ी से मारने वाले, तो इसको तो वहीं लटा दिया, है ना। तो अब इसके बाद हम फिर से करेंगे अपना टेलीपोर्ट हैक यूज़। तो अब हम टेलीपोर्ट करके यहाँ पे आ चुके हैं, और इन बंदों का कुछ समझ नहीं आया कि ये कहाँ से आए कौन थे। तो ये देखो फिर से मैंने उसको मारा, लेकिन लास्ट शॉट चिंटू का लगा, है ना, इसको मैं मार रहा हूँ लेकिन इस पर भी लास्ट शॉट सूरज का लग गया, भाई क्या मतलब एंगल मेरे सामने है, मैं मार रहा हूँ लेकिन लग नहीं रहा, कोई बात नहीं। अब हम ऐसे करते करते आने वाले हैं फाइनल जोन में, लेकिन यहाँ पर हमें अचानक से आवाज़ आती है एक छोटे से बंदू की, है ना, एक बंदा हमारे अच्छे से प्यार से अपने फुटस्टेप देता है चिंटू भाई को, और चिंटू कहता है भाई मोड़ आज तो इसको हबशू की तरह मारेंगे। तो हमें पता था कि वन एक ही बंदा है, तो हम उसके हिसाब से ऐसे कुत्ते की तरह इसके पीछे पड़े, मतलब ऐसा एक बंदे को देख के तो ना हमें पता है मजबूर है वो बंदा नहीं आएगा हमें मारने। तो ये देखो यहाँ फिर के मुझे नहीं मिला, वो बंदा मेरे सामने था, मुझे लगा कि अपने ही बंदे हैं, लेकिन और अब आप यहाँ सोच रहे होगे क्या हो रहा है, हम आपस में गोलियाँ क्यों मार रहे हैं, तो अब सामने क्या चक्कर है कि सामने तीन बंदे हैं और हम उनको दिखाना चाहते हैं कि हम पूरा स्क्वाड है यहाँ पर, हम दिखा रहे हैं कि हम आपस में फाइट कर रहे हैं, मतलब हम सब ओपोनेंट्स हैं, तो वो ज़्यादा परेशान ना हों, आराम से ओपन आ जाएँ। और ऐसा हुआ भी, उन्होंने फायरिंग सुन के मतलब उनको पता नहीं क्या सीन हुआ यहाँ पर, वो बाहर आ गए। अब ये देखो यहाँ पे मैंने फिर शॉट लिए थे, वो फिर नोक नहीं हुआ और फिर सूरज उसको मार गया। तो मतलब क्या हो रहा है, किल चोरी हो रहा है कि किल लिया जा रहा है, या पबजी वाले किल चोरी कर रहे हैं, मेरा पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मेरी लास्ट गोली कभी नहीं लग रही किसी को। तो अब उसके बाद अभी फाइनल बंदा था, मैं यार रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ किल लेने दो, लेकिन फिर भी चोरी करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी तुम्हारे भाई ने किल इस बार निकाल लिया, है ना। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।
थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.